वैशाली के भगवानपुर से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में भीड़ एक महिला की सरेआम पिटाई कर रही है। इस दौरान महिला दर्द से कराहती रही और रहम की भीख भी मांगती रही, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। भीड़ ने महिला के बाल पकड़कर घसीटा, गाली दी और उसके बाद एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान तमाम लोग तमाशबीन बने रहे। यही नहीं, इस पूरी घटना से पुलिस भी बेखबर रही। ये शर्मनाक घटना हुसैना खुर्द पंचायत की है। दरअसल पूरी घटना के पीछे अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। जिस लड़की की सरेआम पिटाई की गई वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है और उसका जिस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था उसकी शादी हुसैना की लड़की से 25 जून को होनी थी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मरवा और मंडप बनकर तैयार था, शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे। इसी बीच 24 जून को मुजफ्फरपुर से आई लड़की ने हुसैना पहुंचकर यह कह दिया कि जिस लड़के से शादी तय हुई है उससे उसका पहले से प्रेम प्रसंग है और वो कोर्ट मैरिज कर चुकी है। लड़की के इतना कहने के बाद ग्रामीण भड़क गए और उसके बाद का नजारा आप खुद देख रहे हैं। छोड़ना नहीं है। आप वीडियो कॉलिंग देखिए ना, बता रहे वीडियो कॉलिंग मुंह ना खोलता है। दीदी से मैच कर ले। हां हां, मेरा पैसा नहीं है फिर करने के लिए। पता नहीं बताता है वो लोग। ये फेस नहीं, पैसे खुल गया थे, फेस नहीं खुलता है। बहुत मंदा, बहुत इज्जत से जाता है। हेलो, घर है घर नहीं खोल रही थी, बोल रही थी। कोई बात नहीं। इस दौरान काफी देर तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। इसके बाद जिस लड़की से शादी होनी तय हुई थी उसके परिवार वालों ने उस लड़के को बुलाया। बताया जा रहा है कि रात में पंचायत की गई, जिसके बाद जिस लड़की से शादी तय हुई थी वो शादी रुकवा दी गई और फिर उस लड़के से उसकी प्रेमिका के गांव के मंदिर में शादी करा दी गई।